शुक्रवार भी नहीं, कल पहले मैं कुछ बिगाड़ भी नहीं, ऐसा एक रूप लेने वाला अध्याय की बात जब समझ में आती है तो पर्याय के अंदर में कुछ करने का अभिप्राय, पर्याय के अंदर में कुछ सुधार का अभिप्राय, पर्याय के अंदर में बिगाड़ का अभाव हो ऐसा अभिप्राय, जिस वक्त मीट जाता है उस वक्त परिणाम की व्यवस्था ऐसी है तो परिणाम हृदय को फॉलो, परिणाम तब तक हृदय को फॉलो नहीं करती जब तक परिणाम के अंदर में कुछ करने का अभिप्राय, भले ही संसार के अभाव करने का परिणाम हो चाहे मोक्ष को प्राप्त करने का परिणाम का हो, जब तक कुछ भी अशुद्धता टालने का अभिप्राय या शुद्धता प्रकट करने का अभिप्राय, बंध का अभाव का अभिप्राय या मोक्ष की प्राप्ति का अभिप्राय जब तक रहता है तब तक पर्याय की कर्ता बुद्धि बनी रहती है, और जब पर्याय की कर्ता बुद्धि बनी रहती है तो उसी का नाम मिथ्या। फिर परिणाम के अंदर जो मोक्ष की कितनी भावना क्यों नहीं माने, लेकिन उससे भी मैं अंतर नहीं पड़ा आज तक। यदि इस कारण को देखा जाए तो बहुत मामूली से लगने वाला कारण जमीन आसमान है, तो उसने ऐसी भावना पाई कि मोक्ष का जन्म हो और मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग का कारण आत्मा का लक्ष्य करने से होता है और वो आत्मा का लक्ष्य करने के पीछे लग जाए और उद्योग को आत्मा के तरफ बालने का सतत प्रयत्न करे, ये एक परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति पर पदार्थ के अंदर में अहम करता हुआ, एकत्व करता हुआ, पदार्थ को अपना मानता हुआ, पदार्थ का कर्ता अपने को मानता हुआ परिणाम का है दूसरी परिस्थिति। दोनों परिस्थिति के अंदर में अंतर क्या है, तो एक है अशुभ भाव का है और एक है शुभ भाव का है, इससे ज्यादा अंतर है दोनों के बीच में। परिणाम की स्वतंत्रता उन्होंने स्वीकार नहीं की और अपने आप को यानी तत्काली परमात्मा को परिणाम के अंदर में जो कुछ भी होता है उनका कारण माना, तो परिणाम के अंदर में उतनी कचास मानी कि परिणाम अपनी योग्यता से नहीं बन सकता, परिणाम योग्यता लक्ष्य करे तो सबकी योग्यता, तो इतना भी अवलंबन परिणाम को द्रव्यता है। अवलंबन दो तरह होता है, एक तो परिणाम अपने आप को मैं परमात्मा हूँ ऐसा घोषित करे अलग बात, पर ऐसा माने कि परिणाम को द्रव्यता ले जाया जाए और द्रव्य के लक्ष्य के आत्मा की अनुभूति होती है, तो इसके अंदर में उसने अपने आप को द्रव्य नहीं माना और परिणाम के अंदर में जो कुछ भी होता है वो मेरे वजह से होता है, तो उस परिणाम का अपने आप को कर्ता माना, पर का कर्ता मानना या परिणाम के अंदर में कुछ भी होता है उसको द्रव्य को कर्ता मानना, किसी ने किसी को उसने कर्ता बनाया उससे अंतर क्या पड़ा, उसका कोई ना कोई स्वामी पर अनादिकाल से पदपदा उनका करता था, आज द्रव्य उसका करता, जब पदपदा करता था तब भी उसने द्रव्य को अकर्ता नहीं माना और जब परिणाम क्या करता द्रव्य को माना तब भी उसने द्रव्य को अकर्ता नहीं माना, तो द्रव्य को अकर्ता नहीं मानना धारावाहिक होने से वस्तु वस्तु बने नहीं बने, जब वस्तु वस्तु बने नहीं बनी रहती है तो उसके अंदर में अहम होने होने का प्रश्न होता है, पर ये बुद्धि धारा नहीं चालू है, जिस वक्त पर को करता माना उस वक्त भी पर्याय और जिस वक्त द्रव्य को करता माना उस वक्त भी पर्याय, पर्याय बुद्धि धारावाहिक होने नहीं चुकी, इससे अंतरंग में कोई अंतर नहीं, अंतरंग में तो अंतर तक पड़ता है कि परिणय को एक समय का
सब स्वतंत्र अपनी योग्यता से प्रमुखता हुआ स्वतंत्र पदार्थ और उसी वक्त द्रव्यों से अत्यंत भिन्न सर्वथा भिन्न परिपूर्ण ज्ञान तत्व और कारण परमात्मा उनको कारण परमात्मा नहीं माना। कारण परमात्मा तो कार्य परमात्मा उसको कारण परमात्मा कहता है। अब कार्य परमात्मा उसको क्या कहे उस समय जो मतलब नहीं मैं कारण परमात्मा हूं ऐसा माने बिना ऐसा श्रद्धान किए बिना ऐसा विश्वास किए बिना उसमें अहम नहीं से 11 अंगों का पाठी इसी स्थिति में बना रहा है उसका कारण क्या त्रिकाली रूप पदार्थ के अंदर में हम हम में बस इतना सा दोष। इसके अलावा अपने दोष नहीं उसका लेकिन इतना सा दोष नहीं है पूरा दोष कोई भी जीव मान ले के द्रव्य है
तो उसने सत्कार को समझा ही परिणाम के सत्कारक परिणाम में ही होते हैं, उसका कारण कभी भी द्रव्य नहीं होता। ऐसा जिन्होंने नहीं माना और ऐसा माना कि पर्याय की दृष्टि द्रव्य पर जाने से आत्मा की अनुभूति होती है, उसे द्रव्य के अंदर में एक पना होता है। पूरा जैन दर्शन का सार है क्योंकि जीव सब जगह से छूट जाता पर पदार्थ से, छद्रव्यों से, शरीर से, कर्म से, राग से और प्रमाण के मर्यादा में आकर अटक जाता। अब क्या लगता है पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करे तो आत्मा क्या मैंने पर्याय द्रव्य का लक्ष्य का मतलब ही उन्होंने नहीं सुना। पर्याय में आत्मा की अनुभूति का कारण भगवान आत्मा की, यदि एक बार अपन मान ले कि भगवान आत्मा उस अनुभूति का कारण है तो क्या दोषा सोच के इस पर से, तो उसका उत्तर यह है कि भगवान आत्मा कम नहीं है और अनादि से भगवान आत्मा था तो कारण क्यों नहीं। उस वक्त के कारण नहीं बना और आज कारण बन गया, तो उस वक्त भी भगवान आत्मा उसका करता था और आज भी भगवान आत्मा उसका करता है। भगवान आत्मा कल भी करता नहीं था और आज भी करता है और कल भी करता नहीं है। तो नित्य करता का दोष आएगा जो नित्य करता है, बात नहीं है। समाज यहाँ पर आकर रुकता है और ज्यादा दूर यहाँ पर आकर फंसता है। वस्तु तो प्रमाण स्वरूप तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि दबे के कारण आत्मा की अनुभूति हो? अरे भैया नहीं होती तुम काल के फिर बजे की योग्यता की बात, बजे की क्रमबद्ध की बात, बजे के बात खड़ी नहीं रहे तो उसको नित्य कोई ना कोई करता चाहिए। वो अपने दोष से दुखी और अपने मुख से सुखी नहीं। ऐसी दृष्टि में तो दुखाने से छुपा बना ही रहता ही रहता। उत्पन्न हुए तो फिर हम उसको जहां पे चुकाना चाहे वहां चुका।
अनंत समय चला गया, एक समय नहीं है। कौन सी बजे हो चुका है? जो चली गई उसको, जो नहीं आई उसको, जो उत्पन्न हुई उसको तो पकड़ में नहीं आया। जिस पर्याय की चर्चा करता है उसका तो ज्ञान ही प्रमाण अनुभव में होता है, पर्याय का ज्ञान भी अनुभव में होता है, उसके बिना हो नहीं सकता। ज्ञानियों की बात सुनकर पर्याय का अहम करते चला जाता, ज्ञानियों का हृदय नहीं सकता, शास्त्रों की व्यवस्था नहीं सकता। पर्याय माने क्या? तू भूल जाता क्या? कुछ दिन तय करके मैं एक शुद्ध गाय करता हूं, बस इतनी सी बात, उसके अलावा जो कुछ भी हो पा मेरे समय की पर्याय हो या विश्व छत्र हो, सबके सब पर मेरे को उससे कुछ भी देना नहीं। वर्तमान पर्याय में मैं बना स्थापित हूं, स्थापित है आत्मा की अनुभूति नहीं है, उसका मतलब ये है मैं बना स्थापित। तो निकाले तो जाना चाहते हो, मेल कैसे दे? तो ये मैं बना स्थापित है, निकाले तो जाना चाहते हो। कहते हैं पर्याय में मैं बना छुटे बिना निकाले में मैं बना कैसे होगा? तो पर्याय में मैं बना छुटे कैसे? जैसे शरीर को पस को उस से समय के पर्याय को मेरे को मिथ्यात्व का अभाव करने बात को छोड़ो और सम्यक्त्व को प्रकट करने इस बात को भी छोड़ो। दोनों ही परिस्थिति के अंदर में पर्याय में मैं बना अपने घर में रहते हो, मानव दुनिया की हो छोटा कितनी परवाह, एक समय इस तरह से पर्याय को पा सकते हो। लेकिन पर्याय तब तक पड़ा है जब तक वो पर्याय में द्रव्य हूं इस रूप से परिणमित नहीं हूं, उसको पर्याय ही तब कहा जाता है जिसमें वो द्रव्य रूप परिणमित हो। जब यह कहते हैं कि मैं शरीर हूं तो पर्याय कहा? समय शांति के अंदर में सिद्धांत कहा जो परिणाम जिसके लक्ष्य से होते हैं वो परिणाम वो हो, जो परिणाम जिसके लक्ष्य से होते हैं वो परिणाम वो हो, पर के लक्ष्य से हुए परिणाम पर हो, पर के जड़ के लक्ष्य से हुआ परिणाम जड़ है, राग के लक्ष्य से हुआ परिणाम राग है। तो पर तो ऐसे ही है, क्यों उसकी चिंता है? पर तू द्रव्य में नहीं बनाता, द्रव्य वो एक विश्व और द्रव्य के अलावा परिणाम से लेकर सारा विश्व तब जाके द्रव्य में मैं पता होगा, और उस द्रव्य के अंदर में मैं पता होते ही जो परिणाम उत्पन्न होंगे उसका नाम से। अभी तक तू संकित उत्पन्न करने का प्रयत्न करता था तो संकित से कहा तू रहा,
अक्सर तुमने पर्याय को पद रुपये कहा और मैं परमात्मा हूँ ऐसा मैं बना हुआ उस समय जो पर्याय उत्पन्न हुए उसका नाम समझ जिसको प्रयत्न करने का अनंत काल से प्रयत्न किया जिनका जन्म नहीं और जिसको पद के खाते में डाल दिया लक्ष्य उससे हटा दिया मैं बना उससे मिटा दिया मैं परमात्मा हूँ ऐसा मैं बना हो गया उस वक्त जो पर्याय उत्पन्न हुए कार्य से कारण को देखते हो अगर पर्याय से कार्य द्रव्य को देखते हो इससे तो मुझे ऐसी चोट लगती है कि यह क्या ऐसी दृष्टि में तो त्रिकाल से जुदा पना ही रहता तो फिर त्रिकाल में एकता कैसे त्रिकाल से जुदा रहकर त्रिकाल में एकता नहीं हो सकती कार्य का कारण द्रव्य को माना जाए तो द्रव्य में एकता नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर में लक्ष्य कार्य के ऊपर बैठकर पर्याय के अंदर में है
द्रव्य उस परिणाम के अंदर में मौजूद होने के बावजूद भी जो आपने और आपने दृष्टि द्रव्य के ऊपर रखी, अपना अपना द्रव्य पर माना, पर्याय से अपने अपना हटा दिया, मिटा दिया और उस परिणाम का जो जन्म हुआ वो परिणाम के अंदर में द्रव्य किल खिला था, चटका था, संकेत और आनंद की धारा में प्रवाहित होता है। तो जिस दिन में आपका अभिप्राय में पता लगे पर्याय को अपना कर पाए तो ज्ञान उसको अपना जान लेती है, दो में नहीं हो सकता। जानना आनंद का हो सकता है, पर्याय में और विवेक के अनुमति ऐसा नहीं होता। निर्पना द्रव्य में हो, वर्पना परिणाम में हो और अनुमति हो जाए तो ज्ञान प्रमाण दोनों को जान सत्य प्रतिशत में बना द्रव्य में होना ही चाहिए।
मैं भी मुख्य पर्याय को नहीं चल सकता मैं द्रव्य और पर्याय पर यही चल सकता Thank you.
के साथ में कोई संबंध होता नहीं। ज्ञान किए बिना कोई अंधकार है, हमेशा संबंध बिना होता है। ज्ञान को देह का संबंध है और माया को किसी का संबंध है। ज्ञान के अंदर में स्वाध्याय कभी नहीं छूटता और मैं माया को हूं, उसमें किसी का संबंध नहीं रहता। और कहीं भी किसी का संबंध नहीं रहते हुए भी संबंध हो जाए, ऐसे अद्भुत अलौकिक अंतरंग व्यवस्था जिसे ब्रह्म आत्मा समझ में आता है, उसे उत्पन्न हुए बिना नहीं। उसमें बात सिर्फ उन्हें करने की है और उन्हें करना कभी भी करने नहीं हो सकता। उन्हें करना सहज है, करने में तकलीफ करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसा एक उदाहरण आपको, एक उदाहरण सुशील भाई को मैं सुशील हूँ ऐसा सोचना पड़ता हो, ऐसा विचार करना पड़ता हो, ऐसा प्रयत्न करना पड़ता हो, ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें क्या कुछ
सभी जीवों के अंदर में हो ऐसे में